नमस्कार दोस्तों, आज हम तीन पेनी स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे, सुजलॉन एनर्जी, उजास एनर्जी और शेनिक। तो हम देखेंगे कि इन शेयर्स को लेके क्या न्यूज़ चल रही है, इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो कैसे रहे हैं, और चार्ट के माध्यम से इनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में वो रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। हमारे वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पर चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा शेनिक के रिजल्ट्स को। करीब दो महीना पहले इन्होंने इसको अनाउंस किया था, तो इनकी जो सेल्स है वो केवल 45 करोड़ की रही, ऑलमोस्ट 77% का डाउन हुआ। यहाँ देखिए, नेट सेल्स 45 करोड़, 77% गिर गई दिसंबर के 2019 के कंपैरिजन में। क्वार्टरली नेट लॉस जो है 1.36 करोड़ का हुआ, वो लेकिन इनका कम हो गया 152%। पिछली बार ये इनका 2.57 करोड़ का हुआ था। एबिटा इनका डाउन हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शेनिक के रिजल्ट्स तो बेकार ही रहे हैं। और स्टॉक क्या प्रेजेंट करता है चार्ट में, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, इन चार्ट्स में आपको साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पेनी स्टॉक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बीच बीच में आपको काफ़ी वैल्यूएबल बातें मैं आपको बताता रहूँगा। तो आइए दोस्तों, अब हम शेनिक के चार्ट को देखें। तो ये देखिए दोस्तों, एक टाइम ये आपका चार्ट जो है, अगर मैं अक्टूबर के बात करूं तो ये 10 रुपये के आसपास का था, और उसके बाद से ये स्टॉक रेगुलर आपका डाउनफॉल में ही रहा है। ये देखिए, अगर आप इसके रेड कैंडल्स देखेंगे तो ज़्यादा रहे हैं, वॉल्यूम आप देखेंगे रेड कैंडल्स की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रही है ग्रीन कैंडल्स के कंपेरिजन में। और अगर हम इसका थोड़ा सा छोटा चार्ट देख लेते हैं वन मंथ का, तो दोस्तों अगर हम वन मंथ का इसका चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाई है। ऐसे तो एज सच पेनी स्टॉक्स ट्रेंड लाइन और इन सबको ज़्यादा फॉलो करते नहीं है, बट तब भी थोड़ी सी बनाई है मैंने। और यहाँ पे आज थोड़ा सा मुझे छोटा सा आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैंने खुद आज इस स्टॉक में पोजिशन बनाई है 2.55 रुपये में, और 2.65 रुपये तो अभी हो गए, करीब 4% की प्रॉफिट तो मुझे इसने एक ही दिन में दे दी है। तो अब मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की, कि जब तक ये स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है मैं इसमें बना रहूंगा, और जैसे ही इसने हल्का सा भी नेगेटिव साइन दिया मैं उसी पल इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। तो अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं दोस्तों, तो यहां पे देखिए वॉल्यूम्स इसमें काफी कम चल रही थी, काफी टाइम बाद इसमें थोड़ा सा ग्रीन वॉल्यूम आप कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा इसमें 2 से 3 दिनों में आप देखिए कि ग्रीन वॉल्यूम्स भी हुई है रेड वॉल्यूम से ज्यादा, और क्वांटिटी भी ठीक ठाक लग रही है। उसके पहले आप देखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आया था, यहाँ पे थोड़ी सी थी बट वहाँ पे रेड वॉल्यूम्स भी अच्छी क्वांटिटी में था। तो हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा रिवर्सल दिखा दे, और हो सकता है अभी आप इसको खरीदे तो हो सकता है ये आपको 3 से 4 रुपये तक अगले आने वाले दिनों में दे दे, जो कि करीब हमारे 40 से 50% तक के रिटर्न हो जाएंगे अगर ये 4 रुपये तक भी पहुँचा। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस शेनिक को लेके। आइए अब हम सुजलॉन एनर्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी के जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत ही बेहतरीन आए थे। नेट सेल्स इनकी 444 करोड़ हुई थी, और 554% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये तो इनका बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि ड्रीम रिजल्ट्स आए थे अगर मैं एक साल के कंपैरिजन में करूं। लेकिन जो नुकसान वाली बात है वो ये है कि इनका जो लॉस है वो भी इनका 78% बढ़ गया था। एबिटा जो इनका है वो थोड़ा सा बढ़ गया था। तो उस टाइम जब ये रिजल्ट्स आए थे तो इनकी प्राइस 7 रुपये के आसपास थी, और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पिछले बार एक साल में 200% के रिटर्न्स दिए। चार्ट पे भी हम देखेंगे कि ये स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम हमें बीच बीच में देखने को मिला है। आप अगर इसका 6 मंथ्स का चार्ट देखेंगे तो आप इसमें ये देखेंगे, ये देखिए कि यहाँ पे इसने बीच में दिसंबर के आसपास से इसने राइज लेना चालू की थी, 8 रुपये के आसपास पहुँचा था, फिर थोड़ा गिरा था, फिर लोगों ने कहा था कि ये इसको दूसरा गेम स्टॉप बनाएंगे, तो फिर इसमें राइज मिली 6-7 रुपये तक की, और लेकिन फिर उसके बाद ये गिरने लगा, फिर यहाँ पे फिर इसमें राइज होना स्टार्ट हुई, और फिर ये स्टॉक अभी गिर रहा है। रिसेंट में इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कैंडल है, बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, बट ओवरऑल ये स्टॉक आप कह सकते हैं ठीक ठाक क्वालिटी का है। तो आप इसको
अभी मत खरीदिएगा। इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कि आप इसको या तो 5 रुपये के आसपास खरीदिए या 6 रुपये के ऊपर खरीदिएगा, और सेम रहेगा जिस दिन आपको एक लोअर सर्किट दिखे आप इस स्टॉक से निकल जाइए। अगर मैं RSI की बात करूं दोस्तों, ये 6 मंथ RSI की बात करूं तो वो ना ओवर सोल्ड में है ना ओवर बॉट जोन में है, और 3 मंथ में भी वही है। 1 ईयर की RSI भी एक बार चेक कर लेते हैं तो तीनों सब RSI इसकी न्यूट्रल ही लग रही है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग रन में भी। थोड़ा सा दोस्तों मैं आप लोग को ज्ञान देने के लिए बता देता हूँ, अगर आप इस स्टॉक को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो लॉन एनर्जी, तो ये देखिए एक टाइम 22 रुपये का था, और अगर आप और पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक और भी ज़्यादा हमारा एक टाइम बहुत महंगा स्टॉक हुआ करता था। तो ऐसे स्टॉक्स में इसीलिए कहा जाता है कि शेयर मार्केट में आपके स्टॉप लॉसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एंट्री के संग आपको एग्जिट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आइए दोस्तों हमने जो डिस्कस किया है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। आप दोस्तों इसको बाई करिएगा, बाई अबव 6 और अराउंड 5। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें क्या रखना चाहिए था, आपके बाई करने के बाद फर्स्ट नेगेटिव साइन अपीयर, जिस दिन आपको ये गिरा हुआ दिखे आप एग्जिट कर जाओ, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि ये स्टॉक कितना जाएगा। और टारगेट क्या होते हैं, आप इसमें आराम से, आप इसमें 10 रुपये तक के टारगेट्स को मेरा मानना है कि आप आराम से लेके चल सकते हैं, 10 या टिल स्टॉक इज पॉजिटिव। तो ये थी दोस्तों मेरा लॉन एनर्जी के बारे में कहना। शेनिक को मैं एक बार दोस्तों RSI भी दिखा दूं, तो RSI में ये देखिए कि RSI भी इसकी रिसेंट में 3-1 मंथ में थोड़ी स्ट्रांग हुई है। 6 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो ये ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, और 3 मंथ की बात करूं तो भी ये न्यूट्रल जोन में है। तो और सच ये अभी के हिसाब से उतना बुरा स्टॉक नहीं लग रहा है, तो वही आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि हो सकता है यहाँ से इसका रिवर्सल स्टार्ट हो जाए। अगर मैं उजास एनर्जी की बात करूं दोस्तों, तो इनकी नेट सेल्स केवल 6 करोड़ की रही है, और इनमें 50% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में। नेट इनका जो लॉस है, लॉस में रहे हैं ये लोग, और ये देखिए 5 करोड़ का केवल लॉस किया है, और वो 1122% कम हो गया है। आप कह सकते हैं कि दिसंबर 2020 में ये लॉस हमारा केवल 0.5 करोड़ का था। तो ओवरऑल इस कंपनी की भी आप वैसे देखेंगे तो हालत ख़राब है, और चार्ट्स पे भी आपको यही देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा ये देखिए 6 मंथ्स का चार्ट है, 4.5 रुपये का स्टॉक है, अभी देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में ये चल रहा है। अगर थोड़ा और आप लॉन्ग टर्म जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक टाइम यहाँ से इस स्टॉक ने बड़ी भयंकर तेजी दिखाई थी, 3 रुपये से ये स्टॉक 9 रुपये में गया था, बट उसके बाद से लगातार डाउनफॉल में ही चल रहा है। बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की थी, फिर गिरा दिया गया। बट दोस्तों पर्सनली मैं अगर आपको बताऊँ तो इस स्टॉक में आप ट्रेड बिल्कुल करिए ही मत। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न दोस्तों ये है, आप 3 मंथ्स में जाएंगे, आप 3 मंथ्स की इसकी वॉल्यूम देखिए, कोई वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब इस स्टॉक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि इस स्टॉक में क्या हो रहा है, किसी को ना खरीदने से मतलब है ना बेचने से मतलब है, ये स्टॉक बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स में तो दोस्तों आप मोमेंटम की उम्मीद बहुत कम ही है, और आपको इससे अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक्स मिल जाएंगे खरीदने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मैंने उजास एनर्जी को इसलिए इंक्लूड किया है कि मैं बता दूं कि आपको इसमें ट्रेड को अवॉइड करना है, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है इस स्टॉक में। RSI अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल है, 6 मंथ में, 3 मंथ्स में भी न्यूट्रल है, जो कुछ वॉल्यूम में इसमें ट्रेड ही नहीं हो रहा है, एकदम इंटरेस्ट लॉस हो चुका है। तो अगर आपने पैसा लगा दिया तो वो गिरने की ही ज़्यादा उम्मीद है, बढ़ने की तो उम्मीद बहुत कम है। तो इसमें दोस्तों मेरा सिंपल सा कहना है, आप इसमें नो ट्रेड इन उजास एनर्जी। अगर आपको अपने पैसे से प्यार है तो आप इसमें ट्रेड को अवॉइड करिएगा, इससे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक्स मिल जाएंगे। दो तो पेनी स्टॉक्स इससे बेटर है, तो लॉन और शेनिक, और आप अगर आप और चाहेंगे तो और भी बहुत अच्छे, इससे कंपैरिजन में तो बहुत अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक्स हैं, रतन इंडिया हो गया और ये सब इससे बेटर है, रिलायंस पावर हो गया, वो सब इससे थोड़ा सा बेटर है।
उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पर द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। मैं आपको दोस्तों आप स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। ये आप स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को सेविंग अकाउंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको 6% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है और आपको बार बार ट्रेडिंग और सेविंग अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र का झंझट भी नहीं रहेगा। अकाउंट ओपनिंग एकदम फ्री है। साथ ही अलग अलग पैन नंबर से अगर आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आगे आने वाले IPOs में आपके सब्सक्रिप्शन की चांसेस भी बढ़ जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं आप स्टॉक्स की, और जो इनके चार्जेस है ब्रोकरेज वो आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के ही कंपैरिजन में है, और आपके नए अकाउंट्स में ये थोड़ा सा फ्री ब्रोकरेज भी दे रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।